आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल फॉर्मेटिंग ट्रिक्स, छोटी छोटी फॉर्मेट से रिलेटेड ट्रिक्स। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ इस क्लास में क्योंकि क्या होता है कि ऑफिस में जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर्मेट। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर्मेट। किसी रिपोर्ट अच्छा है, खराब है, इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है हम बाद में देखते हैं, लेकिन जैसे ही उसका पहला लुक हमें दिखता है तो हम बोलते हैं कि हाँ। अगर उसकी लुक अच्छा है तो हम समझते हैं कि हाँ ये अच्छा है, बल्कि ये ठीक ठाक है। ठीक है सर। तो अब फॉर्मेटिंग नॉर्मल से बॉर्डर करना, कलर करना, ये चीजें तो जनरली आपको आती होगी, इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमें कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है। तो चलिए उसी सॉल्यूशन के ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करें। ओके, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको। कि मैं यहां पे कोई नंबर लिखता हूं, उस पर मैं टीएच लगाया, तो जनरली वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे आप जाते हैं तो ये टीएच अपने आप ऊपर लग जाता है, ठीक है सर। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता, तो एक्सेल में कैसे करें, क्योंकि अगर हम एमएस वर्ड में करते हैं तो चला जाता है ना ऊपर सर। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको फॉर्मेट सेल में, जी हाँ फॉर्मेट सेल में आना होगा, और फॉर्मेट सेल के अंदर यहाँ आपको दिखेगा सुपर स्क्रिप्ट। अब इस सुपर स्क्रिप्ट को आप क्लिक कीजिए और इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सुपर स्किप करते हैं, जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपका टीएच ऊपर चला गया। ऐसे आपको मान लीजिए 10 डिग्री लिखना है तो 10 लिखिए, स्मॉल में ओ लिख दीजिए, फिर इस स्मॉल ओ को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ फॉर्मेट सेल में आए और यहाँ पे सुपर स्किप कर दें। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मेरे पास इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं और मुझे इन नंबर्स पे डिग्री शो करनी है, तो अब प्रॉब्लम है कि एक एक करके कैसे करें, क्योंकि एक एक करके करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। वन बाय वन अगर आप करते हैं तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा। हम चाहते हैं कि ये वन बाय वन ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके बगल में हम ओ लिख देंगे स्मॉल में और इसको नीचे की तरफ इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसमें हम ए मार्क दोनों को नहीं करना है, सिर्फ एक को करना है, ए ओ वाले को फॉर्मेट सेल, और फिर इसको सुपर स्किप कर दिया। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए आप, और फिर इसको सिलेक्ट कर देता हूं और राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट सेल में जाता हूं और इसके बॉर्डर में आता हूं। हम चारों तरफ का बॉर्डर जो है वो डालेंगे, सिर्फ हमें जो बीच वाला ए है ना इस बॉर्डर को नहीं डालेंगे, ताकि पता नहीं चले सेपरेशन है, मतलब कि कोई कॉलन है ये पता ना चले। और इसकी बैकग्राउंड कलर को हम वाइट कर देते हैं ताकि जो ग्रिड लाइन है हट जाए। हालांकि ऐसे वाइट करके भी हटा देते हैं, लेकिन आप यहाँ पेज लेआउट में भी आप यहाँ से भी पूरी सीट को हटा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, अब आपको पता नहीं चलेगा कि दोनों अलग अलग कॉलम में डले हुए, पता चल रहा है। इस तरह की चीज़ें हम करते हैं सुपर स्क्रिप्ट से।
अब जैसे कि मुझे अगर 10 स्क्वायर लिखना है, तो आपने 102 किया, 2 को सिलेक्ट किया और फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गए और सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कर दिया। अभी आपको दिख तो रहा है, क्योंकि जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपका नॉर्मल हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई सुपर स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसको हमेशा हम टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, राइट। अगर आपने उस नंबर पे अप्लाई किया तो जैसे एंटर मारेंगे तो आपका हट जाएगा। इसका ध्यान आप रखिएगा, ठीक है सर? ठीक है। तो टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करें? कुछ नहीं, आप सिंगल कोट लगाइए और इंटर कीजिए और इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और इस पर आप सुपर स्क्रिप्ट लगा दीजिए। आ गया 10 स्क्वायर। ये आपने 10 से पहले क्या लिखा था? एक सिंगल कोट डाला था हमने, सिंगल कोट। ये कहां पर रखी? एंटर के बगल में होता है, डबल कोटेशन मार्क होता है ना। हाँ जी, डबल कोटेशन मार्क है। बिना शिफ्ट के करेंगे तो सिंगल कोटेशन मार्क। जब शिफ्ट करूंगा तो सिंगल आ जाएगा? नहीं, शिफ्ट करेंगे तो डबल आएगा, बिना शिफ्ट के सिंगल आएगा। ओके ओके, ठीक है। तो इसको डालने के बाद अगर कोई भी आप नंबर डालते हैं तो उसको सिस्टम टेक्स्ट समझ लेता है। क्या समझता है? टेक्स्ट, ए सी सी। अब हमने ऊपर तो कर लिया, अगर मान लीजिए मुझे नीचे करना होगा तो क्या? H2O वाटर का जो फॉर्म हमने अपने लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, H2O। अब इस 2 को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए और यहाँ पे सुपर स्किप कर दिया। सॉरी, सुपर स्किप नहीं, सब स्किप होगा, सुपर स्किप है ही हमारे, सब स्किप कर दिया। एंड ओके, याद आपका H2O। ठीक है सर? ठीक है। मेरे कीबोर्ड पे सिंगल कोटेशन नजर नहीं आ रहा। एंटर के बगल में है सर, एल के बाद, एल के बाद सेमी कॉलन है, उसके बाद होता है। हाँ, एल के बाद सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन के बाद वो एट द रेट और उसके नीचे जो होता है वही है ना? एट द रेट नहीं, नहीं, नहीं। एप्पल का है ना सर? नहीं नहीं नहीं, एप्पल नहीं है भाई, मैंने विंडो है। ये ले, मैंने आपको पिक्चर सेंड किया व्हाट्सएप। नहीं नहीं, ये नहीं सर, ये तो एट द रेट आ रहा है, उसके नीचे आपका एक कॉमा आ रहा है। पूरा कीबोर्ड का भेजिए तो पिक्चर। ये आपका 2 के ऊपर जो है ना, वो है तो वो तो डबल कोटेशन है ना। डबल कोटेशन आ रहा है उसको। हाँ, तो आपने कहा सिंगल कोटेशन और वो डबल। हाँ, तो यही होगा आपका। ये डालिए, बिना शिफ्ट के डालिए तो क्या आता है? क्या चीज? कि जो आपका एट द रेट है ना, वही होगा फिर तो। और वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैंने अक्सर खोला हुआ साथ में ना। और मैंने बिल्कुल सिंगल कोटेशन, आपने उसको डालने के बाद कोई नंबर डालिए ना। हाँ, .2 डाला मैंने, ठीक है, और उसने उसको कोई टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं किया, उसको नंबर में जाने दिया। ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है आपका? इधर है या इधर है नंबर? लेफ्ट पे डाला ना।
अपनी स्क्रीन दिखाई है मुझे। स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ? हाँ, मैंने पोस्ट कर दिया। मैं एक्चुअली ये कर रहा था कि मैंने कहा मेरे कोई एक्सेल में ना कोई वो ना हो, तो यस ठीक है, आ गया। है तो वो तो गया नंबर कन्वर्ट आपका, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। टेक्स्ट में नहीं, टेक्स्ट में कहाँ कन्वर्ट हुआ? टेक्स्ट है नॉर्मल में किसी सेल में टू लिखिए तो क्या हुआ? किसी और सेल में टू लिखिए, सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल टू देखिए, पता चल गया। टेक्स्ट में होते ही वो हमेशा लेफ्ट साइड में चला जाता है, नंबर टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट अच्छा। फॉर्मेट हो गया। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट में वो टू टी डब्ल्यू टू 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 दिखा देगा, वो नहीं, टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया सर। ठीक 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 मतलब कि नन कैलकुलेटिव डेटा। ओके, ठीक है, चलिए। अगर अगर इसका मैं मल्टीप्लाई कुछ करूँ या कुछ ये कुछ नहीं करेगा उसको? नहीं हो जाएगा, बाकी बहुत सारे फॉर्मूलेज में नहीं होगा। जैसे दोनों को बराबर कीजिए इक्वल करके किसी और सेल में, इक्वल, फिर आप एक इसको सेलेक्ट कीजिए बी फोर को, इक्वल साइन दीजिए, और वी यहाँ पे बी फाइव को, क्या करूँ बी फाइव को सेलेक्ट, हाँ एंटर मारिए, फॉल्स आया ना। एक्सेल के लिए दोनों आपस में बराबर नहीं है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, अब वन जीरो कीजिए स्क्रीन पर, मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि एच टू ओ आपने आपका आ गया, हमें नीचे कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे आगे की तरफ। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने किसी ने, आप मान लीजिए आप नॉर्मल किसी को नंबर प्रिंट करते हैं, कुछ डेटा है आपके पास, अभी डेटा आपका नॉर्मल डेटा है और इसकी प्रिंट आउट निकाल देंगे, अभी भी डेटा गलत होगा तो आप पेन से क्या करेंगे? इस पे अगर डेटा हुआ आपका तो पेन से आप उसको क्रॉस कर देंगे ना, क्या सर? ठीक है, तो क्या इस पर क्रॉस में एक्सेल में कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमें जाना होगा फॉर्मेट, फॉर्मेट में आपके सामने बॉर्डर दिख रहा है, दिख रहा है सर? ठीक है, यहाँ से मैं बॉर्डर में चूज किया, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैंने इसको रेड कर दिया और फिर मैंने यहाँ इसको यूज किया और इस पर क्लिक किया, दोनों इस पर और इस पर क्रॉस हो गया। फिर मुझे यहाँ भी अप्लाई करना है तो आप फॉर्मेट प्रिंटर से लेके आ सकते हो, या फिर तुरंत आपने अप्लाई किया है तो F4 प्रेस कर सकते हो। F4 होता है लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, क्या करता है? लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। ओके F4, हाँ जी हाँ। अब मुझे अगर सही का निशान लगाना हो तो उसके लिए भी हम वापस फॉर्मेट सेल पे आएंगे और हम मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर इस पर ग्रीन लेते हैं, ग्रीन, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट कर लिया, रेड का निशान आ गया। बट ये चीज आप देख रहे हैं ना सर, ये बेसिकली आपका प्रिंटिंग पर्पस है, सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस। आप इसके बिहाफ में सिर्फ फिल्टर लगाना हो गया, या इसके बिहाफ में जैसे मान लीजिए कोई किसी तरह का क्या बोलते हैं कंडीशंस हो गया, कलरिंग हो गया, या छापना जा तो इसको फिल्टर अलग कर लेना, वो चीजें नहीं कर सकते, जस्ट ये दिखावे के लिए। आप चाहते वैसा हो तो उसके लिए आपको अगले सेल में, मैंने मान लीजिए पी कैप्स में लिख दिया, राइट, इस पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट? तो हमारे पास बाइंडिंग टू का फॉन्ट है, यहाँ पे सबसे लास्ट में होता है बाइंडिंग टू या वेरिंग टू होता है। क्या करता है
को कन्वर्ट कर देता है इस कमांड के निशान और ओ को कर देता है इस तरह के क्रॉस के निशान, राइट। अब आपको फिल्टर लगाना हो तो एक दिखावे के लिए टिक मार्क है एंड क्रॉस है, बट एक्चुअल में तो क्या है, एक्चुअल में आपका पी है, राइट सर। ओके, पी को ये जो बाइंडिंग्स टू है बाइंडिंग्स, हाँ वो कन्वर्ट कर देता है बाइंडिंग टू फॉन्ट, और ओ को क्रॉस में कन्वर्ट करता है। जी हाँ, ओ को क्रॉस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ओके, और इसमें अब आपको जैसे मुझे पता था वो, क्योंकि और भी बहुत सारे सिंबल्स आपको यूज करने में पता नहीं है, तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट में आपको यहाँ सिंबल्स में आपको यहाँ पे सिंबल दिखेगा, राइट। और सिंबल में से मान लीजिए मुझे बॉक्स में टिक मार्क चाहिए या क्रॉस चाहिए, तो यहाँ पे आर और एस हो गया। कैश में आर दिखेंगे तो बाइंडिंग टू फॉर्म उसको इस बॉक्स में टिक डाल देगा, और यस दिखेंगे तो बॉक्स में क्रॉस डाल देगा। इसके अलावा और भी यहाँ से फॉन्ट चेंज कीजिए और आप इस सिंबल की कैरेक्टर को देख सकते हैं। ओके सर, ओके। अब ये तो फॉन्ट था तो इस हमने इसको यूज कर लिया, बट होता क्या है कि फॉन्ट होता है पार्ट, विंडो का पार्ट होता है, एक्सेल का पार्ट नहीं होता है। तो मान लीजिए ऐसा विंडो हो जिसमें बाइंडिंग फॉन्ट ही ना हो, ऐसे रिलीज हो या फिर इंस्टॉल करते समय फॉन्ट करप्ट हो गया हो, डिलीट हो गया हो, व्हाटएवर, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में मैं क्या करता था, कैप्स में जे को लिखता था और इसको हम यहाँ, अब आपकी आवाज ना थोड़ी सी दूर दूर से आ रही है, चलिए हम नजदीक आ रहे हैं, आप नजदीक से आ रही है, हाँ अब सही है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके सामने जे आ गया। जे के ऊपर मैं होम में आता हूं और यहां अलाइनमेंट माइनस 45 डिग्री के एंगल पे एंगल क्लॉक वाइज दिख रहा है, इस पर दिख रहा है और क्रॉस पर है हमारे पास क्या, क्रॉस पे एक्स है, लेकिन ये रेयर केस में होता है। अब दूसरी क्वेश्चन आती है, क्या हम इसका यूज इसी चीज के लिए करते हैं? जी नहीं, इसका यूज एक और तरीके से यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे नेम डाल दिया और नेम को नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया और कुछ डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं, मैं अप्रैल कह रहा हूँ, ठीक है, पर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है छोटी सी, कि इसको प्रिंट करने में दिक्कत है। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कंट्रोल पी किया हूँ प्रिंट के लिए, तो मेरा प्रिंट भी दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा 8 मिनट तक ही आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्जिन को नॉर्मल के जगह पे नैरो कर देता हूँ ताकि कम पेपर जो है वो दोनों साइड से मार्जिन दें प्रिंटिंग के लिए, फिर भी मेरा 9 तक ही आया। फिर हमने क्या किया, लैंडस्केप को ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दिया ओरिएंटेशन इसकी, फिर भी 12 तक ही आया, राइट सर। तो अब एक काम और हम कर सकते हैं, हम तो पहले इसकी कॉलम को लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट हैश कर देते हैं डेट के लिए और पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं ऑटो फिल के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो डेटा का जो हेडिंग है ना सर, वही बहुत बड़ा है बट डेटा हमारा छोटा है। अब मैं कॉलम छोटा करूंगा तो हेडिंग नहीं दिखेगा बट हेडिंग भी दिखना चाहिए ना, तो हमने क्या किया, पूरे हेडिंग को सिलेक्ट किया और यहां से मैंने इसको कर दिया रोटेट टेक्स्ट अप। हमने क्या कर दिया, रोटेट टेक्स्ट अप, और फिर हमने पूरे सीट को सिलेक्ट किया और यहां
ये जो आपको दिख रहा है सर, इस पर डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने से क्या हो गया, ए ऑटो फिट हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑटो फिट हो गया। अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारा प्रिंट आएगा, बट इसमें लाइनिंग नहीं आ रही ना, बॉर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह के आप बॉर्डर्स यहाँ लगाना पड़ता है आपको यहाँ से। तो जनरली हम लोग कौन सा बॉर्डर लगाते हैं, स्लैट और बॉर्डर्स की जी यहाँ का, बट बहुत सारे केसेस में हमें बॉर्डर नहीं चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमें लाइनिंग चाहिए, तो हम लोग पेज लेआउट में ग्रिड लाइन आपको दिख रहा है, अगर हम व्यू बार हटा देते हैं तो नहीं दिखता है। नीचे प्रिंट पे क्लिक कर दें तो ये फिर ग्रिड लाइन प्रिंट में डॉट लाइन के रूप में आएगा। आ गया सर डॉट लाइन के रूप में, सही सही। तो इसका यूज कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट समझ में आ गया आपको। हम बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। जैसे कि मैंने कोई वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, कोई वर्ड में यहाँ लिखता हूँ सुजीत कुमार हमने यहाँ पे लिखा, तो ये दूसरे कॉलम में चला गया। फिलहाल दिख रहा है कि दूसरे कॉलम में कोई टेक्स्ट नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट डालूंगा तो देखिए कुमार में एम हमारा हिडन हो गया, क्या हो गया, हिडन हो गया। तो मैं चाहता हूँ नहीं दिखे, एक ही सेल में दिखे, तो यहां से हम रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट, तो टूट के नीचे आ जाएगा एक ही सेल में। ठीक है, अब लेकिन क्या होता है, क्योंकि नंबर हम डालते हैं, अभी जो रैप करते हैं तो स्पेस कॉलम साइज की साइज और बहुत सारी चीजों को देख के करता है। तो यहाँ पे कि अगर मैंने जब हमने 1 2 3 डाला और अपने हिसाब से तो नीचे तोड़ के लाना है तो ऑल्ट एंटर प्रेस किया, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना वहाँ पे हमने ऑल्ट एंटर किया तो टूट के नीचे आ जाएगा। क्या जाएगा, टूट के ऑल्ट ऑल्ट एंटर हमने क्या किया, और बैठ क्लियर है, ठीक ठीक समझ आ गया। हर बार ऑल्ट एंटर प्रेस करना जी वहां से टूट जाएगा। लेकिन ऑल्ट एंटर करने से भी क्या होता है कि हमारा रो की साइज बढ़ जाती है। हम रो की साइज को बढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा जो रो का साइज है वो हमारा फिक्स रहे, मतलब कि फिक्स रहे, मतलब कि मेरा रो बढ़े तो कॉलम बढ़े। मैं चाहता हूं कि जितना बड़ा मेरा कॉलम है या रो है मेरी टेक्स्ट की साइज उसी अकॉर्डिंग अपने आप को फिट कर दे। तो यहां अलाइनमेंट वाले सेक्शन में आप क्लिक कीजिए और यही का आपको दिखेगा श्रिंक टू फिट। क्या दिखेगा, श्रिंक टू फिट, इस पे क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए तो आपका वर्ड श्रिंक होके एक छोटे से कॉलम में फिट हो जाएगा। ओके ठीक है, ये हमारा श्रिंक टू फिट होता है। क्लियर है, हां ठीक समझ गए, आगे बढ़े सर। हां जी बिल्कुल। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसमें हो गया, उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है कि अगर कॉलम को बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करेंगे छोटा हो जाएगा, बड़ा होगा अपने ओरिजिनल साइज का। उसके बाद अगर हम मान लीजिए कोई नंबर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं, तो इसकी अलाइनमेंट में यहाँ है, देखिए थोड़ा सा बड़ा भी करता हूँ इसको और थोड़ा सा चौड़ा करता हूँ। इसको पोजिशन में देखिए, आपके पास 3 पोजिशन यहाँ पर, ये आपका अलाइन राइट है, ये आपको आगे सेंटर, ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट लेफ्ट राइट, इस तरह से आपके बॉटम में है, ये आपका टॉप हो जाएगा, ये आपका अप हो जाएगा सर। देखिए कभी 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 ये टेक्स्ट मूव नहीं होता, मूव मतलब मैं सर ये मुझे प्रॉब्लम आई है, कभी ये नंबर्स होते हैं ना, नंबर लिखे होते हैं तो मैं उसको जब उसको दरमियान में लाने की कोशिश करता हूँ ना तो वो नंबर दरमियान में जाता नहीं है, वो वहीं पे स्टिक करा रहता है। इसकी बात कर रहे हैं,
हाँ, मसल हाँ, नीचे वाले की, नीचे वाले की, इसके साथ साथ, इसके साथ वाला, हाँ यहाँ पे, ये आपका दरम्यान में आ गया ना, मूव हो रहा है ना, नंबर्स आपका मूव हो रहा है कॉलम के अंदर ना, आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं लेफ्ट में, मिडल में, राइट में, लेकिन लेकिन समटाइम क्या होता है कि नंबर कोई ऐसा आता तो है, यहां पे आप इंडेन होता है आपका, इंक्रीज इंडेन पे क्लिक कीजिए और यहां से इसको मूव कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझ गए? हाँ, लेकिन लेकिन मेरा एक मसला ये है, अब कभी कभी क्या होता है ना सर कि आपकी कॉलम छोटी होती है, इसे मान लीजिए आपने छोटे से कॉलम में आकर 12 दे दिया और आप इसको कहते हैं कि मीट में आ जाए, तो फिर मीट में क्या आएगा, समझ रहे हैं ना बात को सर? नहीं नहीं, वो कॉलम छोटा नहीं होता, लेकिन लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि समटाइम नंबर्स मूव नहीं, अगर दिक्कत जब दिक्कत होगी ना उस समय में सेव करके भेज दीजिए, आप एक्सप्लेन करो या फिर वो फाइल सेव कर लीजिए, अगर तुम लास्ट में बता दीजिए, ओके, अगर मेरे पास और आपको एक सेकंड तक, एक सेकंड सर, मैं अच्छा मैं ये मिनिमाइज नहीं कर सकता जूम मीटिंग, एक मिनट आप स्क्रीन शो करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पता नहीं, मैं मिनिमाइज करके मैं उधर जाना चाह रहा था, बट एनीवे मैं ये एक सेकंड डेस्कटॉप पे जाना चाह रहा था मैं, अच्छा हाँ ये मिनिमम, अच्छा ठीक है ये हो गया, एक सेकंड ये आ गया, ये फाइल मेरे पास खुल गई है, उसमें आ गया, इसमें बजट एनालिसिस एक सेकंड में आपको चीज खत्म और आपको पता चल जाएगा कि वो मेरे साथ ऐसे है। अच्छा अभी वो डाटा भी वो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, लेकिन लेकिन जब जब ये दिक्कत होगी आवर सेंड मैं आपको ना वो पिक्चर लेके भेज दूंगा, ठीक, टेक्स्ट में, ठीक। अब बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर, जैसे कि एक पर्टिकुलर सेल हमारा है और मान लीजिए मुझे एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए कुछ लिखने के लिए, ठीक है ना, तो हम उसको सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं, अब इसमें कुछ भी कभी ऐसा वर्ड या कुछ सेंटेंस आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है, जैसे मान लीजिए मेल थिंग हम यहाँ पर आते हैं, चलिए अमेज़न की बात कर लेते हैं, ये जो वर्ड है जो डिफरेंट टेक्स्ट आपको दिखा रहा है, इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब मुझे इसको पेज अगर एक्सेल में कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी सर, क्या नहीं दिख रहा है सही से प्रॉपर, लंबा इतना चला गया, तो हमने क्या किया कि एक इसको सेलेक्ट करके एक एरिया थोड़ा सा ले लिया, फिर इसको मैंने मर्ज एंड सेंटर कर दिया, फिर भी सही से नहीं दिख रहा है तो मुझे इसको रैप करना पड़ेगा, रैप हो गया, उसके बाद आप इसको मिडल में कर दीजिए और इसको आप लेफ्ट से कर लीजिए ताकि एक जैसा दिख जाए और यहाँ पर आपको दिखे सही तरीके से, तो मर्ज का यूज करते हैं, तो नॉर्मल अगर मर्ज आप करते हैं यहाँ पे तो पूरा मर्ज कर देता है, लेकिन मैं यहाँ नॉर्मल मर्ज ना करके मैं क्या कर रहा हूँ, मर्ज अक्रॉस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मर्ज अक्रॉस, हम यहाँ मर्ज अक्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से हमारा मर्ज होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके, तो हम फॉन्ट के बारे में जान लिए, हम अलाइनमेंट के बारे में जान लिए, अब हम नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, बाकी बैकग्राउंड कलर तो आपको आता ही है ना सर कि इसकी फॉरग्राउंड कलर कैसे करेंगे, बॉर्डर कैसे लगाएंगे, तो नॉर्मल चीजें हैं, कभी आप देख लीजिए ना, डाउट होगा तो पूछ लीजिए, अब बात करते हैं हम नंबर फॉर्मेट, ये हमारा नंबर फॉर्मेट, देखिए यार नंबर फॉर्मेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि हम जनरली जो भी काम करते हैं वो हमारा नंबर में ही काम बिल्कुल। तो इसमें कई सारे कैटेगरी हैं, जैसे नंबर, जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेक्स्ट, स्पेशल एंड कस्टम। इसमें जो कस्टम वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें हम कोड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये मुझे सीखना है, ये कोर्स में एक कोर्स है, ये चीज़ें हम आपको चीज़ें, तो इन चीज़ों के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप बाकी की फॉर्मेटिंग पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या बोल रहे हैं सर, क्योंकि जब इसको सीखने बैठोगे तो बाकी चीज़ें भूल जाओगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, हमारा ध्यान इसी पर चला जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से आप कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एक चीज क्या है कि आप दूसरी बात समझिएगा कि कोई भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करते हैं जस्ट आपके डेटा की विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनलिटी को नहीं, समझे। जैसे कि हमने यहाँ पे जीरो लिखा और हमने यहाँ नंबर फॉर्मेट की अकाउंटिंग में इसको हमने नन कर दिया, नन कर दिया ना सर, ठीक है। तो ये आपको डैश दिखा, तो डैश में कन्वर्ट नहीं हो गया, इसकी विजिबल आपको डैश में दिख रही है, बट एक्चुअल में देखिए यहाँ पर जीरो ही है, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो आपकी ओरिजिनल जो आपने टाइप किया है या जो फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करके दिया है वो वही रहेगा, चेंज क्या होगा, उसकी विजिबिलिटी चेंज होगी, ठीक है सर। तो इससे आगे के चीजों पे हम कल डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इतनी प्रैक्टिस कर लें, चलो ठीक है, ठीक है। और कोई और डाउट है, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर प्रीवियस क्लासेस से कोई डाउट हो तो। नहीं, ये तो इसमें काफी चीजें थी जो मुझे तो ऑलरेडी थोड़ा सा पता था, ये रैप अप वगैरह पावर पॉइंट्स का, तो वो थोड़ा सा मुझे आइडिया था, कितना छोटा मोटा तो काम या वो मिनिमम लेवल पे तो वो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा काफ़ी चीज़ें वो, ठीक है। तो कल हम नंबर फॉर्मेटिंग एंड कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। नंबर और कस्टम फॉर्मेटिंग को हम आपको दो पार्ट में कराएंगे, ठीक है, एक कल की क्लास होगी, फिर उसकी नेक्स्ट क्लास होगी, मिलते हैं कल सेम टाइम, टाइमिंग जैसे आज मैंने आपको पिंग किया था ऐसे मैं क्लास के लिए पिंग कर दूंगा जिसमें फ्री होंगे, ठीक है ताकि आपका भी जल्दी हो जाएगा ना। हाँ जी क्योंकि मैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर फॉर्मेटिंग, क्योंकि हमारे फाइनेंस और अकाउंटिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड लगा के प्रेजेंटेशन को चेंज करना, बाकी तो सब ऑटोमेटिक चीज़ें काम कर